रबीम बसमर मैं हूँ पामिस्ट्दार और ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं आज हम इनका पाम रीड करेंगे अथेली इनकी हल्की सी रेक्टेंगल है तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और ज़बरदस्त दिमागी साहित्य भी रखते हैं और ये अपनी मेहनत की वजह से और अपनी ज़बरदस्त दिमागी साहित्यों की वजह से ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं बाकी अगर आप देखेंगे तो शुरू में इनकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन इनकी लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन मिली हुई है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हसास होते हैं और बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है जुपिटर माउंट आप देखेंगे तो थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है यहाँ से ये वाला एरिया आप देखेंगे तो थोड़ा अंदर की तरफ दंसा हुआ है तो जब ये थोड़ा सा अंदर की तरफ दसा होता है तो कहीं ना कहीं इंसान की ज़िंदगी में ये स्ट्रगल को बढ़ा देता है स्पेशली जो मिड एज होती है ना तकरीबन तीस से लेकर कर चालीस के, के दरमियान ये वाला टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है या मे बी चालीस से पचास के दरमियान थोड़ी सी मुश्किल बढ़ जाएँ लेकिन प्रॉब्लम आती ज़रूर है अगर आपका जुपिटर थोड़ा सा दबा हुआ हो पिक्चर में ये थोड़ा सा दबा हुआ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बिल्कुल ठीक है यानी कि अगर जैसे पिक्चर में नज़र आ रहे हैं अगर ऐसे ये रियल में भी थोड़ा दबा हुआ है तो फिर थोड़ी सी जिंदगी में स्ट्रगल थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़िंदगी में ज़रूर आएगी अब जनाब लाइफ लाइन की बात की जाए तो लाइफ लाइन यहाँ तक पहुँचती है इतनी लंबी लाइफ लाइन हो तो आपकी ये जो है वो एट्टी या नाइन्टी तक आप जा सकते हैं अल्लाह तार आपको लंबी ज़िंदगी देता है और जब ये आपकी ज़िंदगी की लाइन ठेक लाइन इस तरीके से बाहर निकले और फिर इस तरीके से शेप बने के टू माउंट पर तो ये आपको ट्रैवल करवाती है ये ज़िंदगी की लाइन का नीचे जाके दो शाखा हो ना ये ट्रैवलिंग आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा जिस जगह पे आप पैदा होंगे उस शहर से आपको दूर जाके आपको रोज़गार मिलेगा जो भी आपका जरिया माश होगा वो किसी दूसरे सिटी में आपको जाना पड़ेगा या आपको दूसरे कंट्री में जाना पड़ेगा ये इस चीज़ का मतलब ये होता है और कहने का मकसद ये कि ऐसे लोग बैरून मुल्क सफ़र भी करते हैं ज़िंदगी की लाइन के साथ ये छोटी सी कॉर्डियन एन लाइन भी मौजूद है तो ऐसे लोग फितरतन बहादुर होते हैं दिल के बड़े अच्छे होते हैं और किसी हद हाँ तक लकी भी होते हैं ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होती और ऐसे लोगों को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता अब इनके मून माउंट की बात की जाए तो मून माउंट इनका बहुत अच्छा है चांद का उभार जो है चांद का उभार अगर आपकी किस्मत की लाइन चांद के उभार से शुरू हो तो आप पब्लिक डीलिंग वाला काम करते हैं जो भी काम करेंगे ना उसमें आपने लोगों के साथ आपका डायरेक्ट रबता होता है और थोड़ा सा आपको घूम फिर के काम करना पसंद होता है क्योंकि जब मून जी है ये इंसान को थोड़ा सा आ, हुसन प्रस्त भी बना देता है थोड़ा सा घूमने फिरने का भी बंदा शौकीन होता है और ऐसे लोगों आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के बड़े माहिर होते हैं इनकी इनको शायरी पोइट्री म्यूज़िक ऐसे लोगों की पेंटिंग अच्छी हो सकती है ऐसे लोग अच्छे राइटर हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे लोग बड़े हुसन प्रस्त भी होते हैं म्यूज़िक के साथ इनको लगाव होता है और बड़े ज़िंदा किस्म के लोग होते हैं और घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं और पब्लिक डीलिंग नए नए लोगों से मिलना नए लोगों से दोस्तियाँ करना ख़ूबसूरत जगह देखना ये चीज़ें भी इनके अंदर पाई जाती हैं तो इसके अलावा किस्मत की लाइन इनकी बड़ी बेहतरीन है तो मिड एज में जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी यहाँ पे वो जो मैंने बताया था ना जुपिटर माउंट से कि जुपिटर माउंट वो जो शादत की उंगली के नीचे वो बाहर थोड़ा दबा हुआ था तो ये किस्मत की लाइन ने बता दिया कि बिल्कुल पैंतीस से चालीस साल की एज में जाके इनकी ज़िंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी थोड़ा बहुत इनका लॉस हो सकता है ये आप देख भी सकते हैं ये चेक करें आप यहाँ पे किस्मत की लाइन चली और दिमाग की लाइन पे जाके रुक गई और उसके बाद फिर यहाँ से किस्मत की लाइन ने स्टार्ट ली है और ये फिर ऊपर की तरफ गई है ठीक है तो इसका मतलब ये कि पैंतीस चालीस पे जाके इनकी ज़िंदगी में बड़ा चेंज आएगा इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन ये बता रही है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ने के लिए बड़ी स्ट्रगल की ये सारी स्ट्रगल की और कामयाबी की लाइनें होती हैं तो यहाँ पर भी तकरीबन पैंतीस चालीस साल की उम्र में भी ये अपनी किस्मत को बेहतर करने की बड़ी कोशिश करेंगे और उसमें अल्लाह ताला इनको तारमयाबियाँ देगा फिर उसके बाद फिफ्टी पे भी जाके के फिफ्टी से लेके फिफ्टी फ़ाइव पर भी जाके अल्लाह ताला इनको कोई कामयाबी ज़रूर देगा और ये ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे अल्लाह तारा इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ ता फरमाएगा इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो किस्मत की लाइन चालीस साल की उम्र के बाद दोबारा स्टार्ट लेती है और उसके साथ यहाँ पर भी एक लाइन आगे चल रही है तो जब आपके पास डबल किस्मत की लकीर होती है तो ये भी आपको कामयाबियाँ दिलवाती है आपके पास दो जगह से इनकम चालीस साल की उम्र के बाद इनको दो जगह से इनकम इनके आने के चांसिज़ हैं इसके अलावा ये इनके हाथ में हमें ख़ते सेहत की लाइन आप कह लें या इसको ख़ते बिज़नेस की लाइन कह लें क्योंकि यहाँ पर ये मनी ट्राई बना रही है बहुत ज़्यादा सेविंग तो शुरू में नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी के पहले तीस पैंतीस साल तो इनके बड़े मुश्किल होंगे इनके पैसा तो कमाएंगे लेकिन सेविंग नहीं होगी हाँ चालीस के बाद उम्मीद है कि इनकी सेविंग बहुत अच्छी हो जाएगी और ये रुपया पैसा कमाएंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा और बाकी यहाँ पे अगर ब्रेन लाइन पे देखें तो ब्रेन लाइन पर आपको जजीरा भी नज़र आएगा मैंने जजीरे के टॉपिक पे वीडियो बनाई थी तो जजीरा ये देख लें ये जजीरा है ये देखिए छोटा सा डार्ड बना हुआ है तो इलम पामिस्ट्री को बड़ी बारीकी के साथ देखना पड़ता है तब जाके आपको समझ आती है तो एक बहुत बड़ी जहनी टेंशन इनको तीस पैंतीस साल की उम्र में मिलेगी हो सकता है पच्चीस से तीस साल की उम्र में मिले लेकिन मिलेगी ज़रूर एक बहुत बड़ी जहनी टेंशन इनको मिलेगी लेकिन ये जहनी टेंशन साल दो साल तो रहेगी लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये उस उसनी टेंशन से निकल जाएंगे इसके अलावा भी बचपन में भी इनकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किल रही जब आपकी ज़िंदगी की लाइन में इस तरह के कट हों फिर जज़ीरे हों फिर छोटे छोटे कट हों फिर दरमियान में आके छोटा सा जज़ीरा हो तो ये मुख्तलिफ किस्म की ज़हनी टेंशनों का बताते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम टेंशनें काफ़ी होती हैं और दिमाग में परेशानियाँ चलती रहती हैं ये इस चीज़ का साइन होता है तो बाकी अगर आप देखेंगे तो ओल्ड एज में जाके इनकी जो ये दिल की लाइन से ये निकल रही है शहरत की लकीर तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे दिल की लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ भी गिरी हैं तो हार्ट से रिलेटेड थोड़े बहुत इनको प्रॉब्लम आ सकते हैं अपनी सेहत का इनको ख्याल रखने की ज़रूरत है क्योंकि जब दिल की लाइन में छोटी छोटी लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं ना तो कुछ ना कुछ इंसान को अपने रिश्तों से भी दुख और धोखे मिलते हैं इस चीज़ का भी साइन होता है और कभी कभी हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इनको पेश आ सकती है किस्मत की लाइन का इस तरीके से जाना और फिर एक लाइन का इस तरीके से काटना फिफ्टी फाइव पे जाके थोड़ा बहुत नुकसान होना रुपये पैसे का लॉस होना ये इस चीज़ का साइन होता है अब हम इनका पहले ये मरकरी फिंगर की उंगलियों की बात कर लें जुपिटर फिंगर इनकी अच्छी लेंथ में है तो अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं सैटर्न भी अच्छी है तो बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारेंगे सन फिंगर भी अच्छी है तो अल्लाह तो ताला इनको नेम फेम देगा मरकरी फिंगर भी ठीक है किसी हद तक लेकिन थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखना थोड़ी सी झिझक होना आ, अपनी बातों को ये हर बंदे के साथ शेयर नहीं करते अपनी फीलिंग्स को अपने दिल के अंदर रखते हैं ज़्यादा लोगों के सामने बोलना भी ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थोड़ा सा पीछे रहना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये तो जनाब इनकी होगी लेफ़्ट हैंड आप राइट हैंड को देख लेंगे तो राइट हैंड भी देखें कितना ज़बरदस्त इनका स्क्वेयर हाथ है तो स्क्वेयर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं और इसके बाद इनकी जो लाइफ लाइन है वो भी नीचे जाके दो शाखा हो रही है तो बिल्कुल बैरून मुल्क सफ़र करेंगे ट्रैवलिंग की ख्वाहिश इन ऐसे लोगों के दिल के अंदर बहुत ज़्यादा होती है ब्रेन लाइन भी इनकी ज़बरदस्त है और यहाँ से फिर किस्मत की लाइन निकल रही है यहाँ से फिर शहरत की लाइन भी निकल रही है तो वो जो मैं कह रहा था ना कि ज़्यादा सेविंग ये शुरू में नहीं कर पाएंगे लेकिन चालीस के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी लेकिन पैंतीस से चालीस साल की उम्र में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा मसला भी इनके साथ बनेगा और उसके बाद फिर आगे इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी ये दूसरों के दुख दर्द बांटना दूसरों के काम आना भी इनको अच्छा लगता है और अगर हम इनके हाथ पर औलाद की लाइनस को देखें तो हमें वीनस माउंट पर दो तीन लाइनें बड़ी वाजे नज़र आ रही हैं तो तकरीबन तीन से चार बेबी भी अल्लाह तौला इनको ज़रूरत फरमाएगा जुपिटर माउंट पर अगर आप देखेंगे तो रिंग ऑफ सलमन बन रहे तो ऐसे लोगों को पास अच्छा नॉलेज होता है ऐसे लोग रुपये पैसे के हवाले से भी कामयाबियाँ हासिल करते हैं और ऐसे लोग बड़े अच्छे टीचर भी होते हैं इनके पास नॉलेज की कमी नहीं होती और इसके अलावा बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें इनकी सन लाइन जो है वो डबल नज़र आ रही है सन लाइन हमें डबल नज़र आ रही है ये देखिए आप तो अल्लाह ताला इनको दो कामों में दो जगह से इनको इनकम आएगी फिफ्टी फ़ाइव पर जाके इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे इनके पचास साल की उम्र के बाद और बाकी ये है कि मनी ट्राई एंगल ज़्यादा गाढ़ा नहीं बन रहा यहाँ पे एक छोटा सा मनी ट्राई एंगल अभी बन रहा है तो इसका मतलब ये कि ये कुछ ऐसी गलतियाँ करेंगे कुछ ऐसे हो सकता है अपनों पर एतबार करके रुपया पैसा अपना नुकसान करें या यारों दोस्तों पर एतबार कर के रुपया पैसा ज़ाया करें लेकिन इनका पैसा ज़ाया होगा और ये कुछ लॉस करेंगे और लॉस का जो टाइम है वो बीस से लेके कर तीस साल की उम्र में भी ये रुपये पैसा लॉस करेंगे लेकिन पैंतीस चालीस पे जाके लाजमी ये अपना कोई बड़ा लॉस करेंगे तो फ्रेंड्स अब इनकी हम देख लेते हैं शादी की लाइनें तो शादी की लाइंस को भी देख लें शादी की लाइन इनकी यही बता रही है कि शुरू में इनके कोई एक आध रिलेशन ब्रेक हो सकते हैं कोई मंगनी वगैरह हो टूट जाए उसके बाद ये फिर इनकी मर्जी की शादी होगी और शादी इनकी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी शादी इन शाह तला कामयाब होगी शादी के बाद भी हल्की सी रिलेशन की लाइन नज़र आ रही है तो शादी के बाद भी इनको कोई अच्छा लग सकता है तो इसके अलावा जनाब यहाँ पर आप देख लें तो यहाँ पर भी जो हमें किस्मत की लाइन है वो बड़ी ज़बरदस्त नजर आ रही है हाँ फिफ्टी फाइव पर जाके थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे लेकिन ये कि तकरीबन सत्ताईस अट्ठाईस साल की उम्र से लेके पचास साल की उम्र तक ये रुपया पैसा कमाएँगे और बड़ी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारेंगे और फिफ्टी के बाद भी यहाँ पर जब दो शहरत की लाइनें मौजूद हों तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ओल्ड एज भी इनकी इंशाल्लाह ताला अच्छी होगी बढ़ापा इनका अच्छा होगा तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये इनके हाथ में हमें शादी की लाइन नज़र आ रही है तो शादी इनकी इंशाल्लाह ताला अच्छी होगी फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अब आप आपसे इजाज़त चाहता हूँ ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप मेरे इसी नंबर पे रबा करें आप आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें तो फिर आपका इन जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी और बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सअप पर रब्ता करेंगे तो चार्जस आपको बता दिए जाएंगे इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ अल्लाह आपको खुश और ख़ुरम रखे अपनी हिफाजत में रखे आमीन सामी अला हाथ